चीमा साहब इतने बच्चों के मैट्रिक में नंबर नहीं होते जितनी आपकी फिल्में हैं। बल्कि आपने जब नवाब चौधरी बताया तो मैं देख रहा था वो घबरा गई। आपके जो वफा आजमाई जाती है हर शय महंगी कराई जाती है। एक तकरीर याद है उसको बारहा जो सुनाई जाती है। ऑपोजिशन के वार है जारी तभी तो आ रहे हैं वैसे चौधरी। देखती आंखों सुनते कानों और धड़कते दिलों आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आप लोगों के? बिल्कुल ठीक है। वाइट आए हाय हाय ब्लैक थे वाइट। आप हमेशा हीरो लगते हैं लेकिन जैकेट पहन के आप विलन लग रहे हैं। क्या बात है। लेकिन प्यारे विलन है वैसे। सही बात है। इस तरह के विलन ना दुश्मन नाल भरा दे व्याह दा कार्ड दे होंदे। इस तरह के विलन ब्याह ते जान ना हीर बनना लभे उन्हां दीआं देगां चुक के लिया। इस तरह के विलन गुस्से च ना अपने गुट दे दंदी वड़ के कह रहे वेखो घड़ी बनी। अपने बंदे नूं कुटन डे हुंदे ना पुछो ना की होया कहिंदे हीरो ने बदतमीजी कीती अगों पए ही नहीं। इस तरह के विलन मेन सीन च ओवरलैप करके हीरो को मार खा ले। इस तरह के विलन असल विलन भी बुला लेंगे। सही कहा आपने, आपने बहुत तमस्कर उड़ाया है विलन्स का, इसलिए मैं असली और सबसे बड़े विलन को बनाने लगा हूँ। बुलाते अपने आज के पहले मेहमान को, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट डेंजरस विलन ऑफ पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री, जनाब शफकत चीमा। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान मॉडल सैरिश परवेज। वेलकम टू द शो जी। माशाल्लाह सैरिश जी आज तशरीफ लाई हैं, बड़ी खुशी हुई है। अच्छा जी। बड़ा ही प्यारा मैं शेर लेके आया हूँ भाईजान के लिए। बड़ी शफकत भरी शख्सियत आई है हमारे दरमियाँ ठाकुर। हाय हाय बेशक। बड़ी शफकत भरी शख्सियत आई है हमारे दरमियाँ ठाकुर। ये फिल्मी दुनिया के हैं नेगेटिव हीरो, हीरो जो कर देते हैं हीरो को भी जीरो, जीरो। आगा। आगा। मगर कुछ अरसे से सिल्वर स्क्रीन इनके क्लोजअप को तरसती है। कलाशन कोफ बेचारी अब इनकी बड़के याद करती है और रोती है। ठाकुर साहब क्या कहें, क्या कहें। चीमा साहब ਟੱਗਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਟੱਲਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਟੱਲਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਟੱਗਿਆਂ ਦੇ ਗਲ ਵਿੱਚ ਟੱਲਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ, ਜੋਕ ਪੰਜਾਲੀ ਹੱਲਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਏ ਹਾਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਲੋਕੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਰਹੀਆਂ। हर रोल की रूह में समा जाते हैं। अरे वाह। अपनी अदाकारी से दिलों पे छा जाते हैं। अदाकारी करते इतने जज्बाती हो जाते हैं चीमा साहब। चीमा साहब शूटिंग के दौरान जिंदा सांप भी खा जाते हैं। आपके अल्हम्दुलिल्लाह जी। कैसे हैं आप? बड़ी मुसर्रत है जी आपकी ज़ियारत करके। सर हमें आपको देखने का मौका मिला और माशाल्लाह वही हाथ जिससे करोड़ों खून हो चुके हुए हैं। जी गल सही कह रहे हो, कोई पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री की हीरोइन ने जी इना थाने नहीं चुकी। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हुई है। जी जी। तो तबीयत ठीक ठाक है आपकी? मुझे तो ऐसे लगा जैसे आज आज कोई ईद का दिन है तो आपकी ज़ियारत का मौका मिल गया, मेरे दोस्तों से मेरी मुलाकात हो गई। पहली बार जमीन पे देखे मैं, घोड़े पे देखे यार। नहीं ये तो एक कमाल है चीमा साहब का। चीमा साहब कितनी 950 फिल्म, 946 मूवीज, 946।
ये बात छोटी सी बात नहीं है, एक्स्ट्रा टू फाइटर, फाइटर टू एक्टर, एक्टर टू करेक्टर एक्टर, बिल्कुल ये सफर किया है चीमा साहब। इतने बच्चों के मैट्रिक में नंबर नहीं होते जितनी आपकी फिल्में बल्कि आपने जब 9-36 बताया तो मैं देख रहा था वो घबरा गई आपके वैसे सारे सच सच बताना है, कितने नंबर आए थे मैट्रिक में? ये बात ना पूछे। इनकी फिल्मों की तादाद से कम थे क्या? सरीश आपने कोई इनकी देखी हुई है जो हार्डकोर विलन वाली फिल्म होती है? क्योंकि आई बिलीव आपकी जनरेशन में यू हैव सीन मोर एज अ कैरेक्टर एक्टर, आपने इनकी फिल्म में सीन इज मूवी बोल बोल उसमें भी ही वाज अ विलन बट द मूवी वाज वेरी नाइस। सर ये वाली जनरेशन जो है ये वो वाली है जिन्होंने आपको कैरेक्टर एक्टर के तौर पर ज्यादा देखा है, जैसा इन्होंने भी रेफरेंस दिया कि बोल में मैंने देखा जी जी, जबकि इनको तो अंदाजा नहीं है कि आप उससे पहले 90 की दिहाई में और 80 की दिहाई में क्या क्या कर चुके हुए हैं और किस कदर सफाक इंसान के साथ ये बैठी हुई हैं। चलो इन्हें वो फिल्म हावे मेरी चूड़ियां जिसे विच मैं तियां नु प्यार देते हैं ये देखे ना आप एग्जैक्टली वही ना आप देखे, फिर आपने चूड़िया की एग्जांपल दी, चूड़िया में भी आप एक बड़े कैरेक्टर वाले और शफकत वाले बाप बने हुए थे। आपको अंदाजा है सहरेश के ये आप किसके साथ बैठी हुई है? एक तो ये कि गिनीज बुक रिकॉर्ड होल्डर में इनका नाम होना चाहिए, अगर नहीं है आई डोंट नो अबाउट रीसेंट, वो 950 फिल्म से ज्यादा फिल्म एक रिडिकुलस और फीचर लेंथ फिल्म है जो सिनेमा हाउसेस में रिलीज हुई हुई है, ठीक है एक तो वो हो गया। दूसरा क्या आपको पता है कि ये वाहिद इंसान है जिनके बारे में मैं जानता हूं जिनको देख के सांप भी दौड़ लगा देता है? अब आप सोचेंगे क्यों, आप इमेजिन कर सकती हैं, जरा इनकी तरफ देखिए और अब देखिए और सोचिए कि ये इन्होंने सांप को चक मार के उसका सर उतार दिया था धड़ से। जी 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 ये सोचे जरा, कभी सोचा आपने? ऐसा तो नागिन ड्रामे में भी नहीं होता कि सोचे कि वो क्या सांप होगा जिसको इन्होंने चक मार दिया। ये कहने की बात है, विजुलाइज करें इस मंजर को, विजुलाइज करना वाकई बहुत, कि सोचे कि उसको चक मारा और उसके बाद उसको तन जैसे कहते हैं वो धन से वो सब कुछ जुदा हो गया बेचारे का। सप नु चक मारन लगे, सप ने कहा तुम वड्डे हो मैं तां चक खान लगा नहीं तो मैं खाना नहीं। उस वाकई के बाद कभी आपकी जिंदगी में सांपों से सामना हुआ है? सर बात यह है कि जिंदगी में नाम पैदा करने के लिए बड़ी बड़ी मेहनत और बड़ी बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। सप खान तो बाद घर दे पुछते ना की पकाना, कहते जी अज सप आलू पका लो। मगर इसके अलावा कभी हुआ है आपके साथ कभी कि उसके बाद आपको कहीं घर में या कहीं कहीं खेतों वगैरह में कहीं सड़क पर नजर आ गया हो सांप? नहीं नहीं, वो जो मदारी करते हैं उनके पास मतलब वो तो मिदारी वाला तो बेचारे ना करें आप ते तो ते वो ऐसे से करते हैं, मैं को ये ना डराए मेरे को आप डर देने बिल्कुल आप मिदारी वाले सांप को कहने तो सांप कह रहे हैं पाजी मैं तमाशे वाला हूँ। मैं कब कहता हूँ वो अच्छा बहुत है, सियासत में मगर कच्चा बहुत है, मईशत किस तरह मजबूत होगी कि पैसा मुल्क से निकला बहुत है, यहाँ मकबूल होता है वो लीडर लगाता है मगर खाता बहुत है। आहो आहो आ हीरो नू हिरवन दे नाल कदी प्यार भी हो जांदा, कोई दिलों कोई अच्छा लगता हूँ तुहानू कदी कोई अच्छा लगी कोई हिरवन या कोई, क्योंकि झूठ तुसी बोलदे नहीं ते अज सच बोल के फस जाना जे। कोई ऐसा आदम है कोई ऐसा शख्स है जिसे प्यार नहीं हुआ? हाय ठीक है, फिर एक्शन हुआ, ओके फिर कसून वजह मेरी आंखें टीरी हो गई। ठीक है, उन्होंने कहा सही शॉट क्यों नहीं देते? हाँ। मैं कहा ये सही कसून नहीं मारता। लेकिन होता ना जैसे आइडियल होते हैं इंसान के, पसंद करता है कि जिंदगी में ऐसा हम सफर होना चाहिए ये वो बला बला। अगर कोई पार्टनर हो तो आई थिंक उसकी लुक्स पे नहीं जाना चाहिए, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, मेंटल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, लुक्स यू कांट गो विद लुक्स। क्रिस गेल वर्गा नहीं नहीं इतना नहीं।